उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कल अफवाह के बाद हुए तनाव पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद सख्त नजर आए, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं क्षेत्र में कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से हरकत में आ गया है और माइक के जरिए कर्फ्यू का पालन करने की लोगों से अपील कर रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि कर्फ्यू को पूरी सख्ती के साथ लागू किया गया है और इसका पालन भी कराया जाएगा, जिसके लिए फोर्स का मूवमेंट भी शुरू कर दिया गया है और क्षेत्र को 5 जोनों में विभाजित कर पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि कर्फ्यू वाले क्षेत्र में जरूरत से जुड़ी चीजों की सप्लाई पर विचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा, खाने पीने की चीजों को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। वहीं DIG कुमाऊं जगत राम जोशी और SSP सुनील कुमार मीणा का कहना है कि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लगातार पुलिस मूवमेंट कर रही है और लोगों से लगातार अपील करेगी कि वह अपने घरों में ही रहें। बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कर्फ्यू के उल्लंघन करने की धाराओं में सख्त कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी से एन भारत समाचार के लिए सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पूरी तरह से शांति बनी रहे, जैसा अभी ऑलमोस्ट तो कर्फ्यू ही था, इससे पहले भी कर्फ्यू ही था, और पूरी तरह से शांति बनी रहे क्योंकि बीमारी बहुत गंभीर है, तो इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। हम लोग ये चाहेंगे कि अगले 3-4 दिन तक जो है बिल्कुल कोई भी लोग घरों से बाहर ना निकले और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सबको घरों पे उपलब्ध करवाई जाएंगी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे उनका भोजन किससे संबंधित कोई आइटम हो या मेडिसिन हो, तो वो सब के सब प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनको उपलब्ध कराई जाएगी और पूरा जन सहयोग से काम को मिल रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा शहर में हम लोग देख लिया, सब लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। 40,000 की आबादी है करीब, जो कैसे हो पाएगी सर, इनके खाने पीने की कौन व्यवस्था? देखिए, उसके ये अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनके SSP की मीटिंग चल रही है। जितनी भी गलियां हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी, जो वहाँ राशन, पानी, दूध सारी आपूर्ति की जाएगी, तो इसी तरह की किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। सर, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है? प्रॉपरली हर तरह से नज़र रखी जा रही है, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है यहाँ और भी फोर्स आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह की कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। जांच करने की तो आपको वो बताएंगे, CMO बताएंगे इस बारे में। पालन करेगा और किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी? सेम स्पिरिट हमारी ऑलरेडी कंटिन्यूड है, वही प्रचलित है। अभी हमारी फोर्स ऑगमेंट हो जाएगी और क्षेत्र के लोगों से अभी हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें कोऑपरेट करें। मूवमेंट जितनी रिस्ट्रिक्ट होंगी उतना ही संक्रमण रोकने में प्रशासन को सहयोग मिलेगा। तो जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जितना भी प्रशासन पुलिस का वहाँ पे तंत्र मौजूद है, वो आप लोगों की भलाई के लिए ही है। जितनी एसेंशियल सर्विसेज की जहाँ पर इमरजेंट नीड्स हैं, वो सभी मोहल्लों में, वार्ड्स में मुहैया करवाई जाएगी और इसको हम और फैसिलिटेट कर देंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स ऑलरेडी इशूड हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, अन्य विभागों के अधिकारी भी कंटिन्यूसली ड्यूटीज पर हैं। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हम इसको टर्म कर लें या कोई और टर्मिनोलॉजी दे लें, पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, इंट्रेक्शंस को कम करें, जिससे जो हमारा इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना होने पाए। तो सभी की जरूरत के सामान मिलेंगे जैसे पहले मिलेंगे सर, मेडिकल हो? देखिए, जो इमरजेंट नीड्स हैं, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसको तो वैसे भी अलाउ करना पड़ता है। कहीं पे कोई फूडिंग की या मिल्क की बच्चों के लिए कोई आवश्यकता है तो वो हम अपने माध्यम से मुहैया करवाएंगे।